गावा थाना क्षेत्र के केंदुआडी में गावा तीसरी मुख्य पथ पर शनिवार की सुबह कार पलटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि तीन लोग घायल हो गए, जिसमें दो की स्थिति गंभीर है। जानकारी के अनुसार चालक समेत कार में पांच लोग सवार थे, जिसमें तीसरी थाना क्षेत्र के घमरिया टाण निवासी प्रभात लाल बंडवाल, कविता देवी, पूनम देवी और मीरा देवी शामिल है। सभी एक ही परिवार के हैं, जो नवादा से एक शादी समारोह से वापस घर लौट रहे थे। इसी दौरान केंदुआ डी के पास अनियंत्रित होकर कार सड़क से खेत में जा गिरा। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 108 एम्बुलेंस के द्वारा सभी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कामा लाया गया। डॉक्टर ने एक को मृत घोषित कर दिया। घायलों में दो महिलाओं की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल गिरिडीह रेफर कर दिया और एक महिला को इलाज कर घर भेज दिया गया।